उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के लिए मुंबई की रजा अकेडमी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की है। रिट में अदालत से ये भी गुजारिश की गई है कि वसीम ने 26 आयतों के बिना जो कुरान प्रकाशित कराई है उसकी प्रतियां जब्त कराई जाएं और वसीम के द्वारा प्रोजेक्ट कुरान के नए प्रकाशन प्रसारण पर रोक लगाई जाए। मुफ्ती आजम हिंद के 41वें उर्स के मौके पर दरगाह आला हजरत परिसर में रजा अकेडमी के साथ उलेमा की एक बैठक हुई थी जिसमें कुरान पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी पर सख्त कानून बनाए जाने की मांग को पूरी ताकत के साथ उठाने का फैसला लिया गया था और वसीम रिजवी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग पर सहमति बनी थी। वसीम रिजवी जो कुरान मुसलमान और मदरसों पर अपनी बेतुकी बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, इसी साल 12 मार्च 2021 को उन्होंने कुरान की 26 आयतों को हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा दिए जाने वाला बताकर हटाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ वसीम की याचिका खारिज की बल्कि कड़ी फटकार के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। इसके बावजूद वसीम ने एक नई कुरान प्रकाशित कराई है जिससे वो 26 आयतें हटा दी गई हैं जिनके खिलाफ वसीम सुप्रीम कोर्ट गए थे और वहां फटकार और जुर्माना लगा था। वसीम के इसी दुस्साहस को रजा अकेडमी ने अदालत में चुनौती दी है। अकेडमी ने अपनी याचिका में वसीम द्वारा प्रकाशित कुरान की सभी कॉपियां जब्त करने की इल्तजा की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद वसीम ने कुरान की उन 26 आयतों को लेकर मीडिया को बयान दिए थे जिसमें कुरान की इन आयतों के खिलाफ तमाम गलत बातें बोली थीं। इस पर रजा अकेडमी समेत कई संस्थाओं ने उनके खिलाफ पुलिस में शिकायतें दर्ज कराई थी, FIR भी हुई। अकेडमी ने अब उन्हीं मामलों में वसीम की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया है। रजा अकेडमी के अध्यक्ष सईद नूरी ने कहा, वसीम के खिलाफ कई राज्यों में मामले दर्ज हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने अपने बयान में मुसलमान इस्लाम और कुरान के बारे में अमर्यादित बातें कही थीं। इसके वीडियो सार्वजनिक हैं लेकिन किसी भी मामले में वसीम पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए अदालत से हमारी अपील है कि वसीम की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया जाए। सईद नूरी कहते हैं कि वसीम रिजवी ने अपने बयानों से धार्मिक भावनाएं आहत की हैं और समाज के विभिन्न वर्गों में नफरत फैलाने की कोशिश की है। ऐसे शख्स के खिलाफ कोई एक्शन ना होना हैरत की बात है। वसीम रिजवी का ताल्लुक शिया समुदाय से है लेकिन कुरान के खिलाफ जाने की उनकी हिमाकत पर शिया और सुन्नी दोनों समुदायों ने एक सुर में विरोध दर्ज कराया था। यहाँ तक कि लखनऊ में वसीम के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए थे। वसीम रिजवी राम की जन्मभूमि फिल्म बनाकर चर्चा में आए थे, तब से वह मुसलमानों के खिलाफ आक्रामक रूप से जुबानी हमले करते आ रहे हैं। लखनऊ के पुराना शहर कश्मीरी मोहल्ला से 2000 में कॉरपोरेटर चुने जाने वाले वसीम 2008 में शिया वक्फ बोर्ड के सदस्य बने थे, इसी बीच समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। 2012 में शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद से बदतमीजी के आरोप में उन्हें समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था। कभी सपा के चहेते रहे वसीम रिजवी अब भाजपा की गोद में हैं। हालांकि कुरान को लेकर उनकी गलत बयानी का भाजपा के वरिष्ठ नेता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन और सांसद सैयद जफर इस्लाम ने एक सुर में विरोध किया था।